107 News। गुरुवार को इंदौर नगर निगम मुख्यालय में परिसर की बैठक नए भवन में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी शामिल हुई। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस के निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इस नए निगम परिषद में बने सदन का नाम महाजन का नाम बदलकर अटल सदन करने पर आपत्ति जताई थी, जिस पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने चिंटू चौकसे और कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। सुमित्रा महाजन ने इंदौर की खराब सड़कों को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि मेरी टिप्पणी महापौर के पास पहुंच गई है। वो भी रोजाना पेपर पढ़ते हैं और तुरंत उन्होंने सड़कों को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीच में कुछ लोग स्मार्ट सिटी के कार्य में तेजी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं उस भूमिका में आ गई हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी समान है। उन्होंने कहा कि सड़कों को लेकर मैंने जो टिप्पणी की है उसे महापौर ने तुरंत एक्शन में ले लिया और मेरे घर आकर मुझसे इस बारे में चर्चा की। निगम समिति की बैठक में उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इंदौर नगर निगम छोटी चीज नहीं रही है, ये पूरे नगर का विस्तार कर रहे हैं और इसमें कई सारी चीज उनके क्षेत्र में आ रही है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि आज की समिति बैठक में निगम से संबंधित जो आवश्यक है उस विषय पर मैंने अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव की तारीफ करते हुए कहा कि महापौर समझदार हैं और एडवोकेट भी हैं। वहीं निगम परिसर में बने नए सदन का नामकरण वाले सवाल पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि नाम का भी काफी प्रभाव होता है। अटल सदन इसका नाम रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव ऐसा हो, मैं मानती हूँ। एक सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नेता के अनुभव के तहत उन्हें जानकारी दे सकती हूँ। वहीं निगम परिसर में छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामे वाली बात पर महाजन ने कहा कि छोटे मोटे हंगामे परिसर में होते रहना चाहिए, उससे लोगों की ऊर्जा बाहर आती है, लेकिन बाद में शांति से किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहिए। जब मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज रोज हंगामा परिसर में नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसी बातें होती है तो थोड़ा सा हंगामा हो जाए, लेकिन तुरंत उसे समाप्त भी कर देना चाहिए। सुमित्रा महाजन ने नगर निगम मुख्यालय में बने नए परिसर भवन को लेकर कहा कि इसका नाम अटल सदन दिया है और मुझे ये अच्छा लगा। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताएं अभी कैसा होना, क्योंकि अब इंदौर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं रही है। ये मैंने कहा, अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीजें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताइए। और मुझे लगता है वही ठीक थी वो बताइए, बाकी तो कोई बहुत बड़ी बातें लोकसभा की या इसकी बताने की आवश्यकता नहीं थी। नगर निगम से संदर्भित जो जो आवश्यक लगा वो थोड़े में बताया, बाकी तो हमारे महापौर समझदार है, एडवोकेट है, काम किया है उन्होंने समाज में, तो मेरे विश्वास है वो दोनों मिलकर के सभी पार्षद मिलके अच्छे चलाएंगे। और नाम का भी प्रभाव होता है ना, अटल सदन रखा है तो हो सकता है उसका भी एक प्रभाव तो आएगा, ऐसा मैं मानती हूँ, तो अच्छा चले सदन। विपक्ष को भी आपने निर्देश दिए हैं, बताया कि मैं निर्देश के देने की मैं सक्षम नहीं हूँ, निर्देश नहीं दी, मगर आप यूं सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी गवाए नहीं बोलूंगी, राजनीति में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो चार अनुभव के बोल उनको बता दिए। आपके नाम से भी रखने के लिए कहा था सदन को, उसका मैंने, मुझे लगता है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो घर पे आ जाओ तो और ज्यादा। कई छोटी छोटी बात में हंगामा होता है, क्या लगता है आपको, पहले आप तो यही परिषद में, अरे हो दे तो होना चाहिए, उससे है ना ऊर्जा बाहर निकलती है, मगर बाद में शांति से बैठ के प्रस्ताव पर चर्चा करके, आप जैसे उन्होंने निकाली ना बात, क्यों ठीक है, मैंने कहा बोलो, उसकी ऊर्जा निकल गई, फिर सुनो। देखो कभी कभी बच्चे हैं, अपना भी बचपना हम क्यों गवाए, तो कभी कभी हंगामा होते रहना चाहिए, कैसे कहूँ, मैं खुद स्पीकर रही हूँ, रोज रोज हंगामा नहीं होना चाहिए, मगर कभी कभार ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा हो जाए, मगर तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं SNN 7 News।
अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।